पिल्सियो, तुम्हें प्रीमियर के लिए आउटफिट्स को ट्राई कर लेना चाहिए। समझ गया। पिल्सियो, मैंने सुना है कि आउटफिट कस्टम मेड है इटली से, और आपके जूते भी इंपोर्टेड हैं। लेकिन ये मायने नहीं रखता है ना? तुमने पहले मुझसे यही कहा था ना कि एक्टर्स अपनी आंखों से कम्युनिकेट करते हैं, उनके आउटफिट से नहीं। तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जैसे उनमें सोल ही ना हो, एक विदर्ड फूल की तरह। तुम बहुत ब्राइट और एनर्जी से भरे हुए थे जब वो ट्रबल मेकर ह्वान यंग तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें परेशान करती थी। वो प्रीमियर में नहीं आ रही है ना? मुझे माफ करना ह्वान यंग, मैं अचानक तुमसे मिलने के लिए आ गया। मुझे इनविटेशन देने के लिए थैंक यू, पर मैं नहीं जा सकती, प्लीज समझो। मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, और वो स्पॉटलाइट भी नहीं है जो हमेशा मेरे ऊपर चमकते रहते थे। और इसके अलावा मेरे पास वेडिंग रिंग भी नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो, हम अब सिर्फ अजनबी हैं। ह्वान यंग, चाहे तुम आओ या नहीं, वीआईपी सेक्शन की सबसे अच्छी सीट तुम्हारे लिए रिजर्व रहेगी। मुझे यकीन है कि पिल्सियो तुम्हें वहां देखना चाहेगा। क्या पुलिस हमारी कंपनी की छानबीन क्यों कर रही है? उन्होंने जी ग्रुप के अकाउंट की एक्टिविटी ट्रैक की और उसमें YGK का रिकॉर्ड मिला उन्हें। सुनो, हमने गलत काम नहीं किया है तो पैनिक मत होना। ये तुम क्या कर रही हो? अब जो कुछ भी बचा है वो सिर्फ मैं हूँ। ये वो सारी चीजें हैं जो तुमने मुझे दी थी। अब मैं लौटा रही हूँ। मुझ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा करना चाहते हो तो सिर्फ जेल जाऊंगी और सजा भुगतूंगी। क्या कहा? मैंने बहुत कुछ सोचा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं खुद को और धोखा नहीं दे पा रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकती। तुम ये दिखावा कर सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और जी सकते हो। इसका मतलब तुम बस रॉक बॉटम हिट करना चाहती थी क्या? पिल्सियो तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? पिल्सियो के बारे में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो मुझे समझ में नहीं आता। उसको क्यों बचा रही हो तुम? मैं पिल्सियो को नहीं बचा रही हूँ, मैं ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रही हूँ जो उसने मुझे सिखाई। तुम ये राउंड हार चुके हो। तुम पिल्सियो से नहीं हारे हो, उस चीज से हारे जो उसके पास है और तुम्हारे पास नहीं, ईमानदारी। प्रीमियर शुरू होने से पहले हमारे पास लीड एक्टर से मिलने और Q&A सेशन के लिए थोड़ा वक्त है। बहुत दिन हो गए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ उनका जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं हमारी पहली स्क्रीनिंग के लिए।
ठीक है, अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये कहते हुए कि तुम इस प्रीमियर के द्वारा खुद को बचा रहे हो, जबकि तुम्हारी एक्स वाइफ योन यंग चे इस इंडस्ट्री से निकल चुकी है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हमें इस बारे में सच जानना है। क्या आप वही सवाल पूछेंगे जो फिल्म से जुड़ा हुआ है? अरे देखो उसे, पीछे कौन है? अरे ये इकलौता प्रीमियर है जो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टोन एंटरटेनमेंट के फंड और मेरा सबर दोनों ही खत्म हो रहे हैं। मिस्टर लिम, मुझे उसे जाने से रोकना होगा। मुझे भी प्यार हुआ था, लेकिन फेलियर ज्यादा नुकसानदायक है। पीसीओ, तुम अब भी एक इंटरनेशनल सुपरस्टार आइडल हो। मिस्टर लिम, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, जो उसने कहा वो बिल्कुल सही है। मैं पिलशॉ किम हूँ, एक सुपरस्टार। लेकिन इस वक्त मैं बस वो स्टार बनना चाहता हूँ जो सिर्फ हॉन यंग के लिए चमके। वो मेरी सब कुछ है और ये बात मैं उसे बताना चाहता हूँ। अरे अरे दरवाजा दरवाजा इसे रोक, खोलो इसे, खोलो, अरे खोलो, कौन है वो? खोलो खोलो, हमें बाहर निकलना है, खोलो दरवाजा, खोलो। अरे अरे, क्या ये सियोन वाली है? जल्दी कैमरा ऑन करो, चलो यहाँ पे, चलो चलो चले, वो देखो वहाँ पर, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी बैठो, चलो इनके पास चलो, सबसे पहले जाकर आगे किसी को, चलो और तू छत पे जाए। मैंने आखिर आपके सामने आने का हौसला जुटा ही लिया है, तो आज सच्चाई सबको मैं बताना चाहती हूँ। आप इस फोटो में ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगे जिसमें पिलसी और वानयंग ने साथ मिलकर बहुत अच्छे लम्हे बिताए हैं। और आपको पता है, ये फोटो 7 साल के बच्चे ने खींची है और ये उस काम को अपना प्राउड मानता है। आगे ये चल क्या रहा हुआ? ये कहाँ जा रही है? अरे वो कहाँ जा रही है? लाइटें क्यों डिम हो गई? अरे ये फोटोस, वाह तो बहुत अच्छी है। क्या खूबसूरत फोटो है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। क्या तुम्हें लगता है कि इस फेक शादी से हमारे बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का पल शायद अभी है, ये घर और यहाँ रहने वाले लोग। उधर देखो, वहाँ देखो। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। मैं अपने डिवोर्स का पिटीशन वापस नहीं लूंगी। मुझे उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो सफर करे। पिलसियो, दीदी, पिलसियो उठो। I love you, हॉनयंग। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। <laughs>
माहौल कितना खुशनुमा है। हाँ, सही कह रही है। अब इतनी जोर से मत भागो, हम दोनों थक जाएंगे। तुम मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं अब सेलिब्रिटी नहीं हूं, या फिर गॉडेस, या फिर तुम्हारी बीवी। क्या आप भी कुछ कहना चाहते हो? और कुछ बचा है क्या? मुझे एक घंटे का समय दे दो, ठीक है? ये सीट हमेशा ही तुम्हारे लिए रिजर्व्ड है। क्या तुम यहां बैठ सकती हो? अब से मैं एक कैंडिडेट की खोज में हूँ। और वो रोल उस कैंडिडेट को प्ले करना है। मेरे अदर हाफ का रोल जो मेरे साथ जिंदगी भर रहे, और इस रोल के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। वो अभी कोई सुपरस्टार या नेशनल आइडल नहीं है। वो बिगड़ी हुई, शांत और गुस्सैल है, जैसे कि मेरी हुआ नंगचे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे मेरे साथ होने का कोई पछतावा ना हो। तुम ऐसा कहोगी कि इस तरह प्रपोज करना मेरा पुराना फैशन है, पर इस बार ऐसा नहीं है। हुआन्यांग, क्या तुम मुझे यानी पिलचाओ किम को अपना हस्बैंड बनाओगी? हुआ नंगचे, आई लव यू। ये
नानी, आज एक बहुत ही खास इवेंट है। क्या तुमने डायरेक्टर को नहीं बताया कि आज मैं फिल्मिंग के लिए वहाँ नहीं आ पाऊंगी? मैं आपका मैनेजर हूँ, सारी चीजों की देखभाल करूँगा। आपको इस तरह धूप में खड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए मैडम, उधर चलिए। हमें सियोन वा के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनसेशन मनी भरना होगा। हमारे अकाउंट की छानबीन हो रही है और हम जल्दी इन्हें क्लोज करेंगे। ये मेरा गिफ्ट है, जाओ उन्हें दे दो। मैं आखिर बड़े दिल वाला हूँ। हाँ, मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से। अरे ये भी। रुको रुको, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सब सच है। क्या तुम बचताओगी नहीं? तुम जीत के इतने करीब थी, फिर भी तुमने हार मान ली, वो भी पिल्सियों की खुशी के लिए। क्या ये करना जरूरी था? अगर किसी और के लिए होता तो मैं यही फैसला करती। अगर ऐसे सिचुएशन को झेलना होता। जो इंसान तुमसे शादी करेगा वो तुमसे मिलके बहुत खुश होगा, उसकी जिंदगी अनलकी और उदास ही क्यों ना हो, तुम उसे बहुत खुश रखोगी। तो फिर बताओ मुझे वो कौन है? बहुत अच्छी जगह है, मौसम बहुत अच्छा है। आओ यहाँ बैठो, बहुत ठंड है। ये सब क्या है, कितनी ज्यादा ठंड है। मेरे आउटडोर वेडिंग के लिए आसमान का साफ होना चाहिए, मुझे ऐसा मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे क्या तुम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती हो? मिस्टर पार्क, आपकी ट्रीटमेंट होने के बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा, और ये आपके लिए। याद है वो समय जब मैं एक बच्ची थी और मैं साइकिल से गिर गई थी? मैं आपका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे उठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वो आप थे जिसने मुझे 16 साल तक संभाला, जैसे कि मैं आपकी अपनी हूँ। जिस लड़की की आपने परवरिश की वो अब बड़ी हो चुकी है और आज वो शादी कर रही है। Thank you.
बहुत बढ़िया। क्या तुम दोनों को यह शादी मंजूर है? हाँ मंजूर है। हाँ मंजूर है। वो रिंग कहाँ है प्यार की निशानी? क्या तुम्हें पता है ये लाल फूल क्या सिंबलाइज करता है? हमारे प्यार को। हर साल जब इस लाल फूल का सीजन होगा मैं तुम्हारे बगल में होऊंगा जैसे अभी हूं। मैं वादा करता हूं ह्वानयांग, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा जिंदगी भर के लिए। तुम्हारा ये चीजी और पुराने स्टाइल का कन्फेशन वाकई बहुत टचिंग है और मुझे ये पसंद आया। पिल्सियो आई लव यू हमेशा के लिए। अब एक दूसरे को किस करो। हाँ।